दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुली, जेसन और मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जाकर देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि बाबा मिस्टर मीट, जेसन और इवन नन को ढेर करने के बाद सोन को ठीक करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर मीट को होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है, और इविल नन को भी होश आ जाता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाती है। अब तो जेसन को भी होश आने लगता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद ये तीनों एक साथ बाबा पर पीछे से हमला करने लगते हैं। मिस्टर मीट और इविल नन बाबा को पकड़ लेते हैं और तभी जेसन बाबा के पास आता है। और अपनी तलवार बाबा के शरीर में आर पार कर देता है। जिससे कि बाबा की मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग बाबा को जेसन से दूर करते हैं। और फिर मिस्टर मीट अपनी कुल्हाड़ी को सोन के गर्दन में घुसा देता है, जिससे कि सोन भी मर जाता है। और फिर जेसन और मिस्टर मीट जोर जोर से हंसने लगते हैं। जेसन, मिस्टर मीट और इविल नन बाबा और सोन को मारने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये लोग हंस रहे होते हैं तभी कोई वहां अपनी बाइक से आने लगता है, और ये जो भी है बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके बाइक से आग निकल रही है और ये देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। अरे ये क्या, ये तो गोस्ट राइडर है। लेकिन आखिर गोस्ट राइडर यहाँ पर क्या करने आया है? कहीं ये गुल्ली बुल्ली को मारने तो नहीं आया है? गोस्ट राइडर अपनी बाइक को ट्रक के पास ले जाकर रोकता है और बहुत ही डरावनी हंसी से हंसने लगता है। उसके बाद वो अपनी बाइक से उतरता है और जेसन, मिस्टर मीट और इविल नन को देखने लगता है और उन तीनों से बोलता है, तुम लोग ने बहुत पाप किया है और तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हारी करनी का सजा तुम्हें मिलके रहेगी। तैयार हो जाओ मरने के लिए, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। गोस्ट राइडर को देखकर मिस्टर मीट बोलता है, क्या तेरे पापों का घड़ा भर चुका है? मुझे तो पता ही नहीं था। खैर कोई नहीं, अब हम तुम्हें सजा दे देंगे, टेंशन मत लो। जेसन बोलता है, हाँ बहुत लोगों को हमने टपकाया है और इसका छोटा सा नमूना ये दोनों है, कहे तो तुम्हें भी टपका दें। इसके बाद इविल नन बोली, अरे कि यही पे टपका दे, साला बहुत ज्यादा बोला था, कंकाल या सैन हमने के मनी है, चल निकल। लगता है कि इन लोगों को गोस्ट राइडर के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये लोग गोस्ट राइडर से ऐसे बात कर रहे हैं। इन लोगों की बात सुनकर गोस्ट राइडर कुछ भी नहीं बोलता, बस डरावनी हंसी से हंसने लगता है। लेकिन तभी देखते ही देखते गोस्ट राइडर अपनी पावर से आग का हमला करता है। जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस आग के कांटेक्ट में आते ही इविल नन का बॉडी पूरी तरीके से जल जाता है और जेसन का शरीर भी जलकर काला होने लगता है। मिस्टर मीट भी वहीं पर जल जाता है और ये तीनों मर जाते हैं। इसके बाद गोस्ट राइडर एक आग का झोंका देखता है। इसके झोंके के संपर्क में आते ही इविल नन राख बनकर धूल में उड़ जाती है और जेसन और मिस्टर मीट भी राख बन जाते हैं और हवा के साथ गायब हो जाते हैं। इसके बाद गोस्ट राइडर अपनी पावर को बाबा सोन और गुल्ली बुल्ली की तरफ करते हैं, जिससे कि बाबा और सोन जिंदा होने लगते हैं और गुल्ली बुल्ली को भी होश आने लगता है, और थोड़ी ही देर में चारों के शरीर से जख्म गायब हो जाते हैं और ये चारों होश में आ जाते हैं। इसके बाद चारों उठकर खड़े हो जाते हैं
और गोस्ट राइडर को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं और गोस्ट राइडर कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। और इसके बाद गुल्ली पुल्ली सोन और पावा भी वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्टोरी? दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया है और आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा। और हमारा चैनल 50 के सब्सक्राइब के बहुत ही करीब है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब